वीरेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके हम दौरे की बात भी जानेंगे, 52 घंटे की पूरी तस्वीर भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले वीरेश, दो ट्वीट और दो ट्वीट के बीच में छिपा जो संदेश था वो बहुत कुछ साफ कर देता है उन लोगों के लिए जो कई तरह की परिवर्तन की अटकलें लगाए बैठे थे उत्तर प्रदेश में। वीरेश, देखिए रोहित जी, आपने ट्वीट की व्याख्या की और एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीएल संतोष, संघ की पृष्ठभूमि के हैं और बहुत बड़े पद पर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके क्या मायने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं, अटकलों और कयासों की वजह होती है और दो दूनी चार राजनीति में नहीं होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है। जब मैं और आप एक डिबेट में बैठे हैं और एबीपी गंगा के दर्शक आंख लगाकर, टकटकी लगाकर ये जानना चाहते हैं, उत्सुकता है उनमें, क्योंकि फिर मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है जैसा कि अमित शाह कहते हैं। तो ये संभावनाएं, ये अटकलें, ये कयास कब से लगना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यही है कि आपका चैनल एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को यह दिखाया था कि एके शर्मा, जो हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ से। 15 मिनट की बातचीत होती है, वो दिल्ली जाते हैं, अगले दिन प्रधानमंत्री से मिलते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ दौरे पर निकलते हैं और आने के साथ ही 52 मिनट की मुलाकात, 52 मिनट की मुलाकात आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उनसे करते हैं और 52 घंटे का मंथन बीएल संतोष इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर करते हैं, तो 52 घंटे में आनंदीबेन पटेल से क्या बात हुई, 52 घंटे में क्या यहां पर मंथन हुआ, इसी को लेकर संभावनाएं प्रबल हुई, इसी को लेकर कयास प्रबल हुए, अटकलें आगे बढ़ी और राजनीति के जो प्रशिक्षु हैं, विद्यार्थी हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, उनके मन में हमने एक उत्सुकता जगाई कि आखिर क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी बैठक हो रही है तो सबकी आंखें, सबकी निगाहें इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी।